वो चलिया, जिस इमाम ने अपने रब से पानी नहीं मांगा वो यजीदियों से मांगने चले गए। और भाई अगर मांगना होता तो उस दात से मांगते, अगर पानी इमाम साहब ने मांगना ही था तो उस दात से मांगते, नाना जान से मांग लेते, अली पाक को पुकारते, सैयदा कायनात को पुकार लेते, बड़े भाई इमाम हसन पाक को पुकार लेते रूहानी तौर। जो अल्लाह से नहीं मांग रहे, जो नाना जान को नहीं पुकार रहे, जो अम्मा जान को नहीं पुकार रहे, जो मौला मुर्तजा को नहीं पुकार रहे, वो यजीदियों से पानी मांगने चले गए। तुझे गैरत नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, इमाम पाक के लिए क्या बात बयान कर रहा है? सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, सिर्फ चंद कागज के टुकड़ों के लिए तू इमाम से क्या बातें मंसूब कर रहा है? बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। इमाम साहब ने पानी मांगा हो जाके लिखा है सबसे छोटे इमाम इलियास करते थे, उम्र मुबारक 6 माह, उस लिहाज से जितने भी उस वक्त मौजूद थे, तसर्रुफ में कम, इल्म में कम, करामत में कम, ताकत में कम, ये पानी पानी इन्होंने लगा रखा है। अल्लाह लिखा है कि इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हो को भी जितनी देर ये कारवां रुका रहा रजी मैदान करबला में, जब तक शहादतें नहीं होगी, किसी ने भी इमाम अली असगर को जमीन पे नहीं लुटाया, इमाम अली असगर को जमीन पे नहीं लेटाया। क्यों? कहीं ये ना हो इमाम साहब को जमीन पे लेटाएं, ये एड़ी रगड़ दे नीचे से पानी ना निकल आए हैं, क्योंकि आज जोर नहीं दिखाना है, आज जोर, आज ये दिखाना है कि बंदगी कैसे करते हैं, आज ये दिखाना है कि यजीद के सामने खड़े कैसे होते हैं। इसलिए पुत्र पानी भूख और प्यास से थोड़ा आ गया हो यार, इस वक्त पाकिस्तान को हुसैनियत की जरूरत है यार, इस वक्त पाकिस्तान को हुसैनियत की जरूरत।